हे गाइस, व्हाट इज अप, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे। आज की वीडियो बहुत ऑसम और अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि मैं आपको इको एप्लीकेशन चलाना सिखाऊंगा। मतलब बहुत सारे लड़के जो इसे यूज करना चाहते हैं या फिर यूज करते हैं, तो उनको फाइल सेव नहीं करना आता, एकदम क्वालिटी के साथ फाइल सेव नहीं हो पाती और बहुत प्रॉब्लम होती है फाइल सेव करने में, जिसकी वजह से मैं खुद परेशान था इस चीज को लेकर। लेकिन फिर मैं इको एप्लीकेशन को बहुत बार डिलीट कर रहा था, डाउनलोड कर रहा था इसी चीज की वजह से। तो आज मैं फाइनली आपको बताऊंगा कैसे इको एप्लीकेशन यूज करते हैं। इसका यूजिंग बताता हूं आपको क्या होगा। मतलब जैसे वॉइस रिकॉर्डिंग होती है ना, जैसे हम YouTube के लिए वॉइस रिकॉर्डिंग या साउंड के लिए वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं, तो उसमें लाउड हो जाता है। मतलब हमारा जो स्टूडियो का साउंड होता है ना, वो सेम कन्वर्ट हो जाता है एकदम क्लियरिटी के साथ, वो भी डबल डबल वॉइस हो जाता है। आपके ऊपर डिपेंड है कि कैसा आपको यूज करना उसके हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सिंपली आप प्ले स्टोर पर सर्च करना इको, आपको मिल जाएगा फर्स्ट पे ही। बहुत अमेजिंग एप्लीकेशन है जिसमें भी रिकॉर्डिंग बहुत अच्छा होता है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो इसके लिए आपको करना होगा ओपन, ठीक है। जैसे कि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे आपको स्टार्ट कर देता हूँ, उसके बाद साइड में देखो स्क्रीन प्ले हो रहा है, जिससे मैं इको एप्लीकेशन पर क्लिक करता हूँ। इको एप्लीकेशन पर क्लिक करने का आप देखो तीन ऑप्शन आपके आ रहे हैं, जैसे स्टॉप, रिप्लाई और रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग पर आपको क्लिक करना, जो आपको वॉइस रिकॉर्डिंग करना है आपको रिकॉर्डिंग पर क्लिक करना। रिकॉर्डिंग पर क्लिक करके बाद आपको ऐसे प्ले करके रख देना है, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग चलता रहेगा 1, 2, 3, 4 बल्कि जितना सेकंड आपको रिकॉर्डिंग करना है, जितना आपको रिकॉर्ड करना रिकॉर्ड कर लेना उसके हिसाब से। उसके बाद मैं आपको सेटिंग बता देता हूँ। यहाँ पे देखो सेटिंग पे आप क्लिक करना। तो यहाँ पे सेटिंग पे आपको पहले बताता हूँ क्या, ये जो इनब्लूट प्ले रिप्लाई जो है ये आपको ऑफ होगा, ये आपको ऑन करना है। उसके बाद इको इफेक्ट जो है ये ऑफ होगा, मतलब ऐसे देखो ऑफ होगा, इसको आपको ऑन कर देना है। इसके बाद जो इको वॉल्यूम है ये आपको 20 पे रखना है, 20। मैंने 10 पे रखा है क्योंकि मुझे ज़्यादा लाउड नहीं करना। ये देखो आपको 40 पे होगा, मतलब आप जब डाउनलोड कर लोगे तो 40 पे होगा। ये आपको 20 या 10 पे रखना है, जब भी आपकी वॉल्यूम एकदम इक्वल आएगी, दोनों का बराबर आएगा, ठीक है। तो उसके बाद इको डिस्प्ले डिस्प्ले जो लिखा हुआ है, इसके आपको जो 0.4 सेकंड होगा, ठीक है। तो ये आपको 0.1 सेकंड रखना है या फिर 0.2 सेकंड रखना है, इन दोनों में 2 सेकंड रखना है फर्स्ट या सेकंड पे, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा अगर आप रखोगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आपको ये दोनों सेटिंग रखते हो तो बहुत सही इको एप्लीकेशन चलेगा आपका। तो इसका सिंपली ये दोनों सेटिंग करने के बाद, कंट्रोल करने के बाद आपको देखो जो यहाँ पे जो रिकॉर्ड हो जाएगा, रिकॉर्ड जैसे मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग दोबारा करके दिखाता हूँ। और एक और सेटिंग मैं आपको बताता हूँ, पहले देखो सेटिंग में दोबारा जाना। उसके बाद जो ये जो टैप रिकॉर्ड बटन जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपका होगा होल्ड टू रिकॉर्ड, ठीक है। होल्ड टू रिकॉर्ड मतलब आपको मतलब कि स्क्रीन पे टच करके रखना पड़ेगा बहुत देर तक, जब भी आपकी रिकॉर्डिंग उतनी देर तक चलेगी उसके बाद रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। तो मुझे उतनी देर नहीं करना, मुझे टैप टू रिकॉर्ड कर लेना, जिससे आपको टैप करते ही आपको उतनी रिकॉर्डिंग होती चली जाएगी और उसके जब टैप कर दोगे तो स्टॉप रुक जाएगी। तो अगर होल्ड पर रखते हो तो बहुत टाइम तक चलेगा। तो सिंपली आपको टैप टू रिकॉर्ड पे रखना है, उसके बाद बैक आना है, उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग कर लिया। जैसे आपको रिकॉर्डिंग करनी है 1, 2, 3 सेकंड, जैसे मैं आपको बताया कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना है, उसके बाद स्टॉप कर देना। उसके बाद जो स्टार का ऑप्शन है, स्टार जो दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है, स्टार का ऑप्शन पर क्लिक करना है, सेव रिकॉर्डिंग आ जाएगा। रिप्लाई पे आप दोबारा सुन सकते हो जो आपको वॉइस रिकॉर्डिंग हुआ है। उसके बाद आपको रिकॉर्डर्स में जाना है, रिकॉर्डर्स में देखो जो अभी जो रिकॉर्ड हुआ है उसको आपको करना है कि उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको पहले तो सेव करना है, पहले तो आपको रीनेम करना है। रीनेम आपका जो रीनेम का ऑप्शन है यहाँ पे सारा इको हटा देना, आपको पहले बता रहा हूँ, क्योंकि इको रखोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो यहाँ पे मेरा नाम राजन लिख देता हूँ, राजन के लिख के ओके कर देता हूँ। उसके बाद जो सेव का ऑप्शन है उस पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद देखो बाई डिफॉल्ट आपका सेव ओरिजिनल रिकॉर्डिंग पे होगा, तो आपको सेव विद इको इफेक्ट पर क्लिक करके ओके कर देना है। ओके करते ही प्रोसेस अपने आप ही हो जाएगा। उसके बाद देखो आपको कहीं नहीं मिलने वाला, मतलब ये रिकॉर्डिंग आपको सॉन्ग जहाँ से सुनते हो वहाँ पर कहीं नहीं मिलने वाला, आपको कहीं ढूंढोगे कहीं नहीं मिलना। आपको फाइल में जाना पड़ेगा, पहले तो आपको फाइल मैनेजर नहीं है तो फाइल मैनेजर डाउनलोड कर लो। उसके बाद देखो फाइल मैनेजर पे आगे वाले फोल्डर पे जाना। उसके बाद देखो डाउनलोड का ऑप्शन फर्स्ट पे आ चुका है, मेरे डाउनलोड का ऑप्शन पे देखो इको फर्स्ट वाला राजन मेरा आ चुका है। जिसके बाद आपको यहाँ भी आपको नहीं है, मतलब कि आप ये जो ऑडियो रिकॉर्ड हुआ है इसको आपको दोबारा एडिटिंग करना है काइंड मास्टर पे कहीं और ले जाके, तो आप एडिटिंग नहीं कर सकते, इसको आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा कहीं और। तो मैं मूव करता हूँ यहाँ पे, देखो दोबारा क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करने का, और उसके बाद देखो जो सैंड का ऑप्शन है, सैंड के ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। सेंड के ऑप्शन पे क्लिक करने का, यहाँ पे देखो व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो अपने एक नंबर से दूसरे नंबर पे, ताकि वो गैलरी में आ जाए आपके, ठीक है। तो या फिर मैं यहाँ पे जो ज़्यादातर ये यूज़ करता हूँ ऑडियो लैब में यूज़ करता हूँ रिकॉर्डिंग के लिए, सेकेंड रिकॉर्डिंग के लिए, ठीक है। तो ऑडियो लैब पे क्लिक करने का, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वॉइस चेंजर, जो है वॉइस चेंजर पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट आपको निकल के आ जाएंगे वॉइस चेंजर में।
यहाँ पे फास्ट स्लो आप इको, तो यहाँ पे मैं जो ये है ना तो लाउड बढ़ाता हूँ, मतलब ये जो आवाज़ है ना इसकी लाउड बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे मिड बूस्ट जो लिखा हुआ है इसमें मैं क्लिक करता हूँ, मिड बूस्ट पे क्लिक करने का, यहाँ पे देखो यहाँ पे डब्ल्यू ए वी में सेव कर सकता हूँ या फिर एम पी थ्री में मैं क्लिक करके एम पी थ्री में क्रिएट कर देता हूँ। क्रिएट कर देने के बाद यहाँ पे देखो सेव हो चुका है राजन फोल्डर, ठीक है। अब मैं देखो यहाँ पे आप कहीं भी इसे ढूंढोगे तो आप बहुत आसान तरीके से मिल जाने वाला। देखो मैं आपको इसके अंदर गूगल पे में जो सॉन्ग का रिकॉर्डिंग है उसके मैं आप दिखाता हूँ। देखो फर्स्ट में निकल के आ चुका है राजन। अब उससे पहले जो रिकॉर्डिंग करा था राजन के फोल्डर से वो देखो सेफ नहीं आया इसमें, क्योंकि वो नहीं होता। इको एप्लीकेशन का सबसे बड़ा बाय डिफॉल्ट प्रॉब्लम यही होता है कि फाइल सेव नहीं होता, जो कि मैंने आप बता दी फाइल कैसे सेव होता है बहुत आसान तरीके से। इससे ज़्यादा आसान में आपको कहीं नहीं मिलने वाला, मतलब ऐसी ही आप रिकॉर्डिंग करके अपने एक्सपोर्ट कर सकते हो गैलरी के अंदर। तो यहाँ तक वीडियो बनाए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।